गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। सो जैसे कि हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमने थ्योरम फर्स्ट देख रहे थे, क्या थ्योरम थी वो? अगर फंक्शन एफ ऑफ जेड है यू प्लस आयोटा वी किसी बिंदु जेड नोट पर कंटिन्यूस संतत है यदि और केवल यदि यू और वी दोनों बिंदु एक्स नोट वाई नोट पर कंटिन्यूस है। अगर एफ ऑफ जेड जेड नोट पर कंटिन्यूस है तो हमें दिखाना है कि यू और वी भी एक्स नोट वाई नोट पर कंटिन्यूस होंगे। सो इसके लिए हमने यहाँ से यहाँ वाला प्रूफ देख रहे थे। क्या देखा हमने? अगर फंक्शन जेड नोट पर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या थी? एक एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो के लिए डेल्टा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो ऐसा विद्यमान होगा कि मोड ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नोट स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा। अब एफ जेड की वैल्यू यू प्लस आयोटा वी, एफ जेड नोट की वैल्यू यू एक्स नोट, जेड नोट की जगह एक्स नोट वाई नोट, तो यू और यू की वैल्यू एक्स नोट वाई नोट पर एंड वी की वैल्यू भी एक्स नोट वाई नोट पर, यही लिखेंगे। अब रियल पार्ट अलग कर दिए एंड इमेजनरी पार्ट अलग कर दिए, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। अब हमने देखा था जब मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू लेस देन इज इक्वल टू क्या होता है? मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड टू। इसका मतलब इस पूरे का मोड किससे लेस देन होगा? मोड ऑफ दिस प्लस मोड ऑफ दिस, ये होगा। अब देखो ये पॉजिटिव टर्म है, इस पॉजिटिव टर्म के अंदर हम कोई पॉजिटिव टर्म ऐड कर रहे हैं तो वो एप्सिलॉन से छोटी आ रही है। इसका मतलब जो ये वाली पूरी टर्म थी ये तो इससे छोटी ही होगी। इसका मतलब जो ये वाली पूरी टर्म थी ये क्या होगी? एप्सिलॉन से छोटी। पॉजिटिव टर्म के अंदर पॉजिटिव टर्म ऐड करने पर एप्सिलॉन से छोटी है, तो जो अकेली पॉजिटिव टर्म होगी वो भी एप्सिलॉन से छोटी और ये वाली पॉजिटिव टर्म भी एप्सिलॉन से छोटी होगी। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? यू और वी दोनों, देखो ये टर्म आ गई हमारे पास, ये वाली एप्सिलॉन से छोटी एंड ये वाली टर्म भी एप्सिलॉन से छोटी आ गई, क्योंकि पॉजिटिव टर्म के अंदर पॉजिटिव टर्म ऐड करने पर छोटा आ रहा है। हमने देखा था ना 2 प्लस 3 अगर एप्सिलॉन से छोटा है तो 2 तो एप्सिलॉन से छोटा होगा ही, वैसे ही 3 भी एप्सिलॉन से छोटा होगा। डन। अब यहाँ पर हमने देखा था, देखो जैसे कि मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट 0 से बड़ा स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा, जेड को क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड नोट को एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट, रियल पार्ट अलग इमेजनरी पार्ट अलग। अब किसी टर्म का मॉड्यूलस का मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर का रूट। यहाँ रियल पार्ट एक्स माइनस एक्स नोट का होल स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट वाई माइनस वाई नोट का होल स्क्वायर का रूट। स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो। अब देखो कोई टर्म का स्क्वायर के अंदर कुछ ऐड, ये टर्म का स्क्वायर किया फिर कुछ ऐड किया फिर रूट, अगर डेल्टा से छोटा है तो ये वाली पूरी टर्म भी तो डेल्टा से छोटी होगी। जैसे कि 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डेल्टा से छोटा, तो क्या 2 4 प्लस 9 की रूट रूट 13 से छोटा नहीं होगा 2? तो ये डेल्टा से छोटा, जो अकेला 2 होगा इस पूरी टर्म से छोटा होगा एंड 3 भी डेल्टा से छोटा। इसका मतलब मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट डेल्टा से छोटा एंड मोड ऑफ वाई माइनस वाई नोट भी डेल्टा से छोटा होगा। अब यही तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है। अब हमें डेफिनेशन देखनी है यू और वी के लिए कंटिन्यूटी संतत फलन की डेफिनेशन। क्या किसी भी एप्सिलॉन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो के लिए ऐसा डेल्टा मिल जाए कि मोड ऑफ यू माइनस यू एक्स नोट वाई नोट स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा, मतलब यू हमारा कंटिन्यूस। एंड वी के लिए भी वही डेफिनेशन, मोड ऑफ वी एक्स वाई माइनस वी एक्स नोट वाई नोट स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मोड ऑफ वाई माइनस वाई नोट
ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा, तो क्या यू और वी हमारे दोनों कंटिन्यूस हो गए? किस पॉइंट पर? एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पर। ये हमने ये लेके चले तो हमने ये दिखा दिया, ठीक है। लास्ट वाली वीडियो में हमने यहाँ तक किया था, इसके बाद वाला आगे आज हमने देख लिया, ठीक है। अब सबको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से यहाँ पर कैसे आया। अब इसका कन्वर्स पार्ट देख लेते हैं इसी थ्योरम का। कन्वर्स पार्ट के लिए हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि u और v क्या है? कंटिन्यूज हैं। किस पॉइंट पर? x नोट y नोट पर। अगर u और v हमारे x नोट y नोट पर कंटिन्यूज हैं तो हमें निकालना है कि f ऑफ z क्या होगा? z नोट पर कंटिन्यूज, के तो इसको कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, इसके लिए भी मान के चलते हैं। क्या मानेंगे कि u और v क्या है? दोनों कंटिन्यूज है। ये हम कन्वर्स पार्ट कर रहे हैं, कन्वर्सली ऐसे विलोमत इधर से इधर। माना u और v तो रियल फंक्शन है ना, रियल और इमेजिनरी पार्ट, ये तो रियल ही फंक्शन होते हैं दोनों। माना दोनों रियल फंक्शन, ये फंक्शन लिखा है शॉर्ट में, कौन कौन से? यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई, एक्स नोट वाई नोट पर बिंदु पर संतत हैं। हमें दिया हुआ है ये दोनों पॉइंट एक्स नोट वाई नोट पर कंटिन्यूज है, तो इसकी डेफिनेशन, तब किसी डेफिनेशन कंटिन्यूस की, किसी एप्साइलेंस डिग्री ग्रेटर देन जीरो के लिए, अगर एप्साइलेंस डिग्री ग्रेटर देन जीरो है तो क्या एप्साइलेंट बाई टू जीरो से बड़ा नहीं होगा? होगा। इसके लिए डेल्टा डिग्री ग्रेटर देन जीरो ऐसा विद्यमान है कि देखो कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी हमने पॉइंट लिया मतलब कोई भी एप्सिलॉन, उसके लिए एक डेल्टा मिल जाए कि यू मोड ऑफ यू एक्स वाई माइनस यू एक्स नॉट वाई नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन, यही लिखते हैं। बट कोई भी एप्सिलॉन अगर हम पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट ले रहे हैं स्वच्छ रूप से, तो एप्सिलॉन बाई टू भी तो आर्बिट्रेरी स्वच्छ रूप से ही होगा ना। तो अब यहाँ ये नहीं लिख सकते हम किसी भी एप्सिलॉन डिग्री ग्रेटर देन जीरो के लिए डेल्टा ऐसा विद्यमान होगा कि मोड ऑफ यू एक्स वाई माइनस यू एक्स नॉट वाई नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, क्योंकि कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना है उसके लिए तो ठीक है, हमने आर्बिट्रेरी ले लिया एप्सिलॉन बाई टू। अगर एप्सिलॉन ही आर्बिट्रेरी है तो एप्सिलॉन बाई टू तो आर्बिट्रेरी होगा ही होगा। इसके लिए क्या होगा? मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, एंड वी भी कंटिन्यूस है तो वी एक्स वाई माइनस वी एक्स नॉट वाई नॉट लेस देन एप्सिलॉन बाई टू, जबकि या वेन एवर मोड ऑफ वाई माइनस वाई नॉट ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा, यही होगी डेफिनेशन हमारी अगर u और v दोनों कंटिन्यूस है। अब हमें दिखाना है मोड ऑफ fz माइनस fz नॉट के लिए। अब इसको कंटिन्यूस दिखाने के लिए क्या करते हैं हम? वही कंटिन्यूस वाली, कोई भी एप्सिलॉन ले, ये एप्सिलॉन से छोटा आना चाहिए जब मोड ऑफ z माइनस z नॉट लेस देन डेल्टा, ये दिखाना है अब हमें। अब ये वाली टर्म को हमें एप्सिलॉन से छोटा दिखाना है। अब आप इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, यहाँ एप्सिलॉन बाई टू लिया, यहाँ एप्सिलॉन से छोटा, कोई भी पॉइंट लिया आर्बिट्रेरी एप्सिलॉन उसके लिए दिखाना है। तो यहाँ हमें एप्सिलॉन बाई टू ले लिया, अब एप्सिलॉन बाई टू भी तो आर्बिट्रेरी ही होगा ना, स्वेच्छ रूप से ही लिया है, जब एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं
तो एप्सिलॉन बाई टू की वैल्यू भी कुछ भी ले सकते हैं ना। अभी आपको पता चलेगा कि हमने एप्सिलॉन बाई टू क्यों लिया। ओके, अब एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड नोट को क्या लिख सकते हैं, जैसे कि इस पार्ट में किया था वैसे यहाँ भी लिख सकते हैं ना इसको, माइनस यू एक्स नोट वाई नोट माइनस आइटा वी एक्स नोट वाई नोट का होल मोड, ये लिख सकते हैं। अब ये टर्म क्या होगी हमारी, देखो इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर दिए हमने, प्लस आयोटा वी यू एक्स वाई माइनस वी एक्स नोट वाई नोट। अब ये वही टर्म मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, किससे छोटा, मोड ऑफ जेड वन, प्लस मोड ऑफ जेड टू। आयोटा की मोड तो वन ही होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं ये, यहाँ वी आएगा। क्यों, क्योंकि हमने तो इमेजिनरी पार्ट अलग किया ना, तो इमेजिनरी पार्ट में तो वी ही है, तो वी एक्स वाई माइनस वी एक्स नोट वाई नोट, अलग अलग कर सकते हैं उसी रूल से, मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू लेस देन इज इक्वल टू मोड ऑफ जेड वन प्लस मोड ऑफ जेड टू कर सकते हैं। अब देखो हमने क्या देखा था, ये वाली टर्म एप्सिलॉन बाई टू से छोटी एंड ये भी एप्सिलॉन बाई टू से छोटी, मतलब एप्सिलॉन बाई टू एंड ये भी एप्सिलॉन बाई टू, क्या बना, ये हमारा बन गया एप्सिलॉन, मतलब ये पूरी टर्म क्या आ गई एप्सिलॉन से छोटी, स्ट्रिक्टली लेस देन एप्सिलॉन। अब हमें दिखाना है कि मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा, ये कैसे दिखाएंगे हम। मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट, जेड की वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड नोट की एक्स नोट माइनस आयोटा वाई नोट, माइनस बाहर था तो माइनस हो गया मल्टीप्लाई, इसको क्या लिख सकते हैं, दिस प्लस आयोटा वाई माइनस वाई नोट। अब यहाँ भी वही प्लस मोड ऑफ जेड वन प्लस जेड टू वाला ही ये लिख सकते हैं हम, नहीं लिख सकते क्या बताओ। अब देखो ये टर्म, इसका मोड, इसका मोड, ये टर्म क्या है, इसके मोड और इसके मोड से छोटी है, तो हम ये नहीं लिख सकते इसको, हमें ये टर्म दिखानी है डेल्टा से छोटी। तो इसका मतलब अगर वो टर्म हमारी, अब ये वाली टर्म क्या है हमारी डेल्टा से छोटी, ये वाली टर्म भी डेल्टा से, मतलब टू डेल्टा। अब ये क्या डेल्टा से छोटा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डेल्टा बहुत छोटा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर। देखो अगर डेल्टा है हमारा 1/4, उसको 2 से मल्टीप्लाई 1/2, जो बहुत छोटा नंबर था उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी छोटा ही आएगा, और छोटा, अगर यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज़न लग रही है तो जैसे यहाँ हमने एप्सिलॉन बाई टू लिया है वैसे यहाँ डेल्टा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा है तो डेल्टा बाई टू भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, इसका मतलब ये डेल्टा बाई टू से छोटा, ये भी डेल्टा बाई टू से छोटा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना, ये डेल्टा बाई टू, ये डेल्टा बाई टू से छोटा, मतलब क्या आ गया, ये हमारा डेल्टा। तो मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट क्या मिल गया हमें, स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा, एंड ये मॉड्यूलस था तो जीरो से तो बड़ा ही था। अगर वहाँ कन्फ्यूज़न लगती है ना आपको कि डेल्टा लिया हमने फिर वो डेल्टा आया टू डेल्टा या कुछ भी, तो यहाँ डेल्टा बाई टू भी ले सकते हो, क्योंकि अगर डेल्टा मिलेगा एक ऐसा
तो डेल्टा बाई टू भी तो मिलेगा ना। तो उसके लिए हम ऐसे कंडीशन ले सकते हैं, हमें तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन के लिए कोई भी टर्म ली उसके लिए ये टर्म डेल्टा से छोटी, अगर डेल्टा से है मतलब डेल्टा है तो डेल्टा बाई टू भी एक टर्म मिलेगी ना हमें, हमने ले ली डेल्टा बाई टू से छोटा। फिर यू और वी पे अप्लाई की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, फिर एफ ऑफ जेड माइनस एफ जेड नॉट के लिए सॉल्व किया, ये आ गया एप्सिलॉन से छोटा, जब वो एप्सिलॉन से छोटा था तो ये क्या है डेल्टा से छोटा। इसका मतलब एफ ऑफ जेड के लिए हमारे कंटिन्यूस की डेफिनेशन हो गई है। तो हम क्या कहेंगे, इसलिए हमारा एफ ऑफ जेड है जेड नोट पर कंटिन्यूस है या संतत है, जेड नोट पर संतत हो गया। सी हो गया हमारी थ्योरम फर्स्ट प्रूफ, इधर से इधर प्रूफ कर दिया हमने, इधर से इधर। इस थ्योरम का मतलब क्यों हमने प्रूफ किया, हमें दिखाना था कि कोई फंक्शन हमें दिया हो, हम रियल पे तो हमें पता है इजीली निकाल सकते हैं ना, रियल फंक्शंस होंगे जो, अगर ये वाला और ये वाला कंटिन्यूस है तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा पूरा एफ सेट था ना वो भी कंटिन्यूस हो जाएगा। ओके सो ये हो गई हमारी फर्स्ट थ्योरम। अब जैसे कि आपकी बुक में अगर सेकंड थर्ड 2.3.2 3.3 ये टाइप की थ्योरम दी हुई है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में यही है। सो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, इसमें हमने लिमिट निकालनी है। ये थ्योरम अच्छे से समझ आई ना सबको। देखो जैसे कि जो कन्वर्स पार्ट में प्रूफ किया है उसमें स्टेप्स तो हमने वही किया है ना, अगर ध्यान से देखो तो जो ऊपर से नीचे में प्रूफ किया था वही नीचे से ऊपर सॉल्व करने में, ऐसे जो प्रूफ किए थे स्टेप्स वही तो ये वाला पार्ट प्रूफ करते टाइम लिखे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है ना सारे स्टेप्स। सो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर लिमिट ऑफ जेड क्यूब प्लस आयोटा अपॉन में जेड की 4 प्लस 4 जेड स्क्वेयर प्लस 16, किस पर लिमिट निकालनी है, जेड टेंड्स टू 2 ई रेज टू पावर पाई आयोटा बाय 3, इस पॉइंट पर लिमिट निकालनी है हमें, इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है इस पर। ओके इसको अगर हम सॉल्व करें, देखो जेड रेस टू पावर 6 माइनस 64 ये क्या होता है, ये 4 की क्यूब 64 ही, 4 चौक 16, 16 चौक 64, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी पता चलेगा क्यों लिख रहे हैं हम इसको ऐसे। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या फॉर्मूला, ए स्क्वेयर सॉरी ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वेयर प्लस ए बी 4 जेड स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यही होगा क्या मिला, जेड की 4 प्लस 4 जेड स्क्वेयर प्लस 16। देखो जो ये वाली टर्म थी ये और ये टर्म सेम नहीं है, इसका मतलब अगर इस टर्म को हम जेड स्क्वेयर माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये टर्म मिल जाएगी, इस टर्म को मल्टीप्लाई करें इस टर्म से तो ये टर्म मिल गई। हम ऐसे क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर लिमिट पुट करेंगे ये वाली वैल्यू तो सबके लिए, इसके लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा जेड स्क्वेयर के लिए भी और इसके लिए भी, बट इसके अंदर तो सिर्फ एक जेड के अंदर सॉल्व करना है, पुट करना है ना वैल्यू, तो वो कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, इसलिए हम लिख रहे हैं जेड क्यूब प्लस 8 को पूरा ही लिख लो, चलो साथ के साथ 2 ई रेज टू पावर आइटा पाई बाय 3। अब जेड क्यूब प्लस 8 इंटू में जेड स्क्वेयर माइनस 4 अपॉन में जेड स्क्वेयर माइनस 4 इंटू में
प्लस 16 क्या किया, डेड स्क्वायर माइनस 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में गुणा और भाग कर दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई, डेड स्क्वायर माइनस 4 से अंश व हर दोनों में मल्टीप्लाई करने पर या गुना करने पर, यही किया है हमने। अब क्या लिख सकते हैं हम इसको, जेड टेंस टू 2 ई रेस टू पावर आईटा पाई बाय 4। देखो ये टर्म इनटू दिस टर्म, अब इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, जेड रेस टू पावर 6 माइनस 64 लिख सकते हैं ना। अब लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 2 ई रेस टू पावर आयोटा पाई बाय 3, ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज, जेड स्क्वायर माइनस 4, इसको हम ये नहीं लिख सकते, पावर मल्टीप्लाई 6 जेड रेस टू पावर 6, 8 की स्क्वायर 64 वही लिखा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं वापस, लिमिट ऑफ दिस जेड टेंस टू 2 ई रेस टू पावर आईटा पाई बाय 3, दिस इंटू दिस अपॉन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, यही होता है फॉर्मूला। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखा हमने ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, अब ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास टर्म आई जेड टेंस टू 2 ई रेस टू पावर आईटा पाई बाय 3, और ये जेड स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में जेड क्यूब माइनस 8, यही टर्म आएगी। अब और सिंप्लीफाई तो नहीं कर पा रहे, देखो एक तो इसको सॉल्व कर दें, जेड की वैल्यू यहाँ भी, और एक हमने सिर्फ दो ही बार वैल्यू पुट करनी है, ये इजी बड़ी ना कैलकुलेशन, इसलिए हमने किया है ऐसे, क्योंकि यहाँ देख पा रहे थे हम, आइडिया लग रहा था थोड़ा सा कि अगर ये टर्म को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म बनती है, इसलिए हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई किया तो अब यहाँ से थोड़ा आइडिया लग रहा था, क्योंकि 6 है मतलब पावर में 2 तो है ही, अब पावर में 2 है अगर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है हमें, उसको ओपन किया तो कैंसिल हो गई टर्म्स। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं क्या आएगी, देखो जेड की लिमिट निकालनी है इस पर, मतलब इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करते होते हैं, तो ई रेस टू पावर 2 ई रेस टू पावर आयोटा पाई बाय 3 की होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में 2 ई रेस टू पावर आयोटा पाई बाय 3 की होल क्यूब माइनस 8। देखो 2 की स्क्वायर 4, इसके लिए इसको मल्टीप्लाई हो जाती है पावर 2 पाई बाय 3 आयोटा माइनस 4, अब 2 की क्यूब 8, अब ये देखो मल्टीप्लाई हो जाएगी ना आयोटा पाई बाय 3, और ये 3 आगे आ गया माइनस 8, 3 से 3 कैंसिल। अब इसके अंदर हम क्या 4 कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ से 8 यहाँ से 4, तो 4 दूनी 8, क्या बच गया 2 पाई बाय 3 आयोटा माइनस 1 अपॉन में 2 ई रेस टू पावर आयोटा पाई, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या ई रेस टू पावर आयोटा पाई माइनस 1 एंड 4 दूनी 8। एक एक स्टेप लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं इतना तो। अब इसकी वैल्यू सॉल्व करो, क्या होता है ई रेस टू पावर आयोटा थीटा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब ई रेस टू पावर आयोटा पाई कितना, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कोस पाई कितना सॉरी कोस पाई माइनस 1, साइन पाई 0, आयोटा 0 मतलब
ई रेस्ट पर आयोटा पाई की वैल्यू कितनी आई? -1। ये तो हमने देखा था ना, ई रेस्ट पर आयोटा पाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इधर ले गए, यहाँ से हमने देखा था ना कितनी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस थी ई आयोटा पाई, उसके अंदर 1 को ऐड करने पर ही 0 मिल गया। मतलब कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड टर्म को हम ईजीएस्ट फॉर्म में बना सकते हैं। कोई लाइफ की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने समझा था ये, हम मतलब मैथ्स के फॉर्मूले से हम इतना बड़ा रिजल्ट निकाल पा रहे हैं, इतनी बड़ी सॉल्यूशन लाइफ के रिलेटेड। इसे वैसे बोलते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन, मैथमेटिक्स में बहुत मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशंस तो हमने बहुत पढ़ी है, बट जो इतना अच्छा रिजल्ट बताए कि सिंपली कितनी वो हो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो बिल्कुल सिंपल बन सकती है, बहुत यही इक्वेशन है ना। तो बैक टू द पॉइंट, कहाँ थे? ई रेस टू पावर आयोटा पाई की वैल्यू आई -1। अब ई रेस टू पावर 2π आयोट इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए फिर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, cos 2π/3 ऐसे लिखते हैं ना, cos पाई माइनस थीटा प्लस आयोटा sin पाई माइनस थीटा। अब cos पाई माइनस थीटा, ये पाई यहाँ पे आएगा, पाई माइनस थीटा, cos क्या होता है? नेगेटिव, नेगेटिव मतलब cos पाई माइनस थीटा cos थीटा विद नेगेटिव साइन। cos पाई बाई थ्री की वैल्यू कितनी? 1/2। एंड इसकी वैल्यू, ये sin पाई माइनस थीटा, इधर sin तो सेकंड में पॉजिटिव ही होता है, विद पॉजिटिव sin आयोटा sin पाई बाई थ्री √3/2 ये आ गया। इसमें किसी को कन्फ्यूजन तो नहीं है, ये तो सबने अच्छे से करे हैं ना, वैल्यू निकालनी, cos की वैल्यू sin की वैल्यू इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। ई रेस्ट पावर आयोटा पाई बाई थ्री की -1 प्लस आयोटा √3/2 दिस -1। एंड ई रेस्ट पावर आयोटा 2 में ई रेस्ट पावर आयोटा पाई -1 लिख सकते हैं इसको हम, ये तो इसको सॉल्व करना चाहो तो आगे कर लो। क्या 2 से इधर एलसीएम लिया, 2 और 1 -3 प्लस आयोटा √3/2 और ये -2 और 8 -4, 2 से 4 ये बच गया -3 प्लस आयोटा √3/2, इधर से इसको इधर मल्टीप्लाई, फोर्थ को फर्स्ट से थर्ड को सेकंड से यही करते हैं ना, तो क्या बचा? दिस 2 विद नेगेटिव साइन, सॉरी मल्टीप्लाई होता है ना वो, तो या अपॉन इसको इससे मतलब 4 × 2 -8, ये टर्म आएगी -8। सो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया, मतलब आगे तो कुछ प्रोसेस नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना है। ये सॉल्व करना तो आता है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है तो चेक कर लेना थोड़ा, बट हमें ध्यान क्या रखना है हमें यहाँ पर, कि जितना सिंपल हम बना सकें कैलकुलेशन को उतना सिंपल हम बनाने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दे, फिर इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती, इसलिए हमने थोड़ा आइडिया लग रहा था इसलिए हमने ये बनाया। ओके, फिर उसको आगे सॉल्व कर लिया, फिर वहाँ से हम उसको और सिंपलिसिटी बना सकते हैं। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल। सबको अच्छे से समझ आया ना ये फर्स्ट एग्जांपल हमारा, कि हमारा एग्जांपल क्या कह रहा है? डायरेक्ट लिमिट निकाल ली है, जैसे रियल में लिमिट निकालते थे वैसे ही हमने यहाँ कॉम्प्लेक्स में लिमिट निकाल ली है इसकी। इनकी वैल्यू यहाँ पुट करी, फिर पुट करके हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फर्स्ट। अब अगर हम एग्जांपल सेकंड सॉल्व करना चाहें, अब एग्जांपल सेकंड में भी क्या पूछा है? लिमिट ही पूछी है, लिमिट निकालो। तो एग्जांपल सेकंड सॉल्व करते हैं,
हमारा एग्जांपल सेकंड में दिया हुआ है, लिमिट निकालनी है हमें जेड टेंड्स टू जेड नॉट, जेड नॉट नहीं है जीरो ही है ये, जेड बार अपॉन में जेड, इसकी लिमिट निकालनी है कि एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। वैसे इन्होंने साफ साफ दिया हुआ है कि विद्यमान नहीं है, बट हमें ये शो करना है, शो करके दिखाना है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, सब इसकी लिमिट के लिए क्या करते हैं हम, जेड जीरो की तरफ जा रहा है, हम देखते थे ना रियल में तो जीरो की तरफ आने का मतलब सिर्फ राइट से लेफ्ट से, लेकिन कॉम्प्लेक्स में किसी भी पाथ के अकॉर्डिंग आए, इधर से या इधर से, इधर से भी आ सकता था ना, यहाँ से यहाँ से, तो क्या आनी चाहिए, वैल्यू सेम आनी चाहिए, चाहे हम इधर से आए चाहे हम इधर से आए, हर पाथ के अकॉर्डिंग वैल्यू सेम। जैसे रियल में इधर से और इधर से आने पर वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम दिखाते थे, ये लेफ्ट एंड ये राइट सेम दिखाते थे, वैसे ही यहाँ कहीं भी पाथ से आए वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब पाथ पर निर्भर नहीं होना चाहिए अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो, अगर सीमा विद्यमान है तो जेड के जीरो के अग्रसर होने पर, मतलब जेड के जीरो को अग्रसर मतलब जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जेड के जीरो को अग्रसर होने के पथ पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, निर्भर नहीं होनी चाहिए, यही होगा, किसी भी पाथ के अकॉर्डिंग आए हमें वैल्यू सेम मिलनी चाहिए अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो। अब यहाँ दिया हुआ लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, इसका मतलब कोई दो अलग अलग पाथ पे हमें वैल्यू अलग सेम नहीं मिलेगी, मतलब वैल्यू अलग अलग मिल जाएगी, तो हम कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं है। सो हमने एक पाथ लिया एक्स अक्ष के अनुदिश, जैसे कि जेड है हमारा एक्स अक्ष के अनुदिश, ये एक्स अक्ष थी एंड ये हमारा वाई था, इसके अनुदिश आ रहा है इधर जीरो की तरफ, एक्स के अनुदिश, इसका मतलब यहाँ क्या होता है, वाई तो जीरो होता है ना एक्स एक्सिस पर, जेड टेंड्स टू जीरो मतलब वाई इज इक्वल टू जीरो एक्स अक्ष के अनुदिश, अब वाई जीरो हो गया तो जेड की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस आयोटा वाई, अब जेड टेंड्स टू जीरो कर रहे हैं तो वाई हमारा क्या हो रहा है, जीरो, मतलब जेड इज इक्वल टू एक्स, हमें क्या क्या चाहिए, जेड अपॉन में जेड, जेड कॉन्जुगेट अपॉन में जेड, तो कॉन्जुगेट भी निकालना है, क्या होता है आयोटा को रिप्लेस किया माइनस आयोटा, अब यहाँ फिर वाई जीरो तो क्या आ गया हमारे पास एक्स, मतलब जब हमारा हम क्या कर रहे हैं, ये कॉन्जुगेट टर्म थी ना उनको कार्टीजन फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब बिल्कुल सिंपल सी सिंपली, क्योंकि हमें पता है साफ ही इधर जा रहा है तो y तो जीरो होता है x अक्ष के अनुदिश, अब इसको क्या लिखा हमने z बार अपॉन में z को, लिमिट z टेंस टू जीरो मतलब देखो पहले यहाँ पर क्या हुआ, हमारा z जीरो की तरफ जा रहा है, इसका मतलब x भी जीरो की तरफ जा रहा है और y भी जीरो की तरफ जा रहा है, बट जो इस अक्ष के अनुदिश जा रहा है इस अक्ष पर वाई तो जीरो ही है ना, इसलिए हमने जो हमारा फंक्शन था उसके अंदर वाई जीरो पुट कर दिया, अब लिमिट किसकी लगा रहे हैं जेड की जब वो जीरो की तरफ जा रहा है, तो यहाँ हम लिमिट किसकी लगाएंगे एक्स की जब वो जीरो की तरफ जा रहा है, एंड जेड बार की जगह एक्स, जेड की जगह भी एक्स, तो क्या आ गया वन, एक्स से एक्स कैंसिल वन, तो लिमिट कांस्टेंट की लिमिट तो वही वन होती है, अब यहाँ एक्स जीरो क्यों किया, वाई टेंड्स टू जीरो भी कर सकते थे, क्या ये वाई का फंक्शन है, नहीं ना, ये तो सिर्फ एक्स का फंक्शन ही है, इसलिए हम सिर्फ एक्स ही लिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, अब इस अक्ष के अनुदिश हमारी लिमिट आई वन, अब हम जीरो की तरफ जाना है
हम वाई अक्ष के अनुदिश जाएंगे अब, क्योंकि सबसे सिंपल वे क्या होता है इस पॉइंट की तरफ जाने का, या तो यहाँ से या यहाँ से, वही सबसे सिंपल वे की तरफ जा रहे हैं हम। अब वाई अक्ष के अनुदिश जा रहे हैं इधर से इधर, इस पर क्या होता है एक्स जीरो, जेड जीरो की तरफ जा रहा है, तो हमारा एक्स क्या हो गया जीरो। इसका मतलब जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई की वैल्यू, एक्स जीरो तो आयोटा वाई, अब जेड कंजुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई, एक्स जीरो मतलब माइनस ऑफ आयोटा वाई। अब लिमिट निकालनी है हमें, लिमिट ऑफ जेड टेंड्स टू जीरो जेड बार अपॉन में जेड, इसकी लिमिट। अब देखो जेड बार की जगह आयोटा वाई, जेड की जगह जेड बार माइनस आयोटा वाई, जेड आयोटा वाई, लिमिट किसकी आएगी यहाँ पर। देखो ये जेड जीरो की तरफ जाने का मतलब, जब हमारा जेड जीरो की तरफ जा रहा है, यहाँ देखो जेड जीरो की तरफ, इसका मतलब एक्स भी जीरो की तरफ एंड वाई भी जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। यहाँ एक्स भी जीरो की तरफ वाई भी, बट वाई का फंक्शन है, हम क्या लेंगे ओनली वाई, वाई से वाई कैंसिल, लिमिट ऑफ वाई टेंड्स टू जीरो, वाई से वाई कैंसिल, आयोटा से आयोटा, क्या बचा माइनस वन, कॉन्स्टेंट की लिमिट तो माइनस वन वही आएगी कॉन्स्टेंट, यहाँ पर लिमिट वन आ रही थी। अगर हम एक्स अक्ष के अनुदिश जा रहे थे तो लिमिट आ रही थी हमारी वन, वाई अक्ष के अनुदिश आ रही थी माइनस वन। अब दो अलग अलग पाथ से ही, दो अलग अलग पाथ से ही लिमिट अलग अलग आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। हम तो कह रहे हैं पाथ पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, कहीं किसी भी पथ से अकॉर्डिंग जाए लिमिट सेम ही होनी चाहिए, यहाँ तो दो पाथ के अकॉर्डिंग ही अलग आ गई, तो इसका मतलब हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। इधर से और इधर से, यह x और ये y था। अब y फर्स्ट एंड टू क्या है, लिमिट अलग है, लिमिट असमान है, अतः पथ पर निर्भर कर रही है, पथ पर निर्भर कर रही है, तो क्या हुआ लिमिट एग्जिस्ट नहीं है, इसलिए लिमिट या सीमा एग्जिस्ट नहीं है, यही होगा हमारा। अगर दो अलग अलग पथ लिए उस पर हमारी लिमिट अलग अलग आ रही है एक्स अक्ष के अनुदिश और वाई अक्ष के अनुदिश, तो क्या हो गया हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। सो हमें एक और रिजल्ट मिल गया, हमें लिमिट दिखानी है अगर अगर हम दो अलग अलग पाथ ले लें उसके अकॉर्डिंग लिमिट अलग अलग आ जाए तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ये आता है ये एग्जाम्स वगैरह में कि यहाँ से हमें एक अलग रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सो आई होप आपको ये लिमिट की कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो, वैसे जो आप रियल में करते थे वही कर रहे हैं एक टाइप से, तो बस यहाँ कॉम्प्लेक्स भी आ गया थोड़ी आयोटा के फॉर्म में आ गई। ओके सो इसको अच्छे से देख लेना एक बार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।